नमस्कार, मुद्दा आप तक में मैं गंगेश बघेल। हमारे देश के समस्त देशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं आ पहुंचा हूं आज पवार जी के घर में। नमस्कार पवार जी, मेरे तरफ से भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सब लोगों को, प्रदेशवासी को, देशवासी को मेरे तरफ से बधाई। विधानसभा अंतागढ़ से आप इस बार सुनाई में आया है कि आप चुनाव लड़ रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुनाने वाली बात नहीं है ना, सुनने वाली बात है। हम लोग ने विधानसभा में ताल ठोक दिया है और पंतुराम पवार समर्थक दल पूरे विधानसभा में ताम धाम के साथ लग गया है। जोनल कमेटी हमारा बना, कोर कमेटी हमारा बन गया, सेक्टर कमेटी हमारा बन गया, बूथ कमेटी हमारा बन गया, गांव में गांव गांव तक, घर घर तक मंतुराम पवार समर्थक दल पहुंच गया है। मेरे तो ऐसा परिस्थिति है, मैं देख रहा हूं कि गांव के गांव लोग, एक दिन में सैकड़ों लोग मंतुराम पवार समर्थक दल के साथ जुड़ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से लोग नाराज है। पार्टी का विचारधारा तो ठीक है, हम भी कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे, कम्युनिस्ट में रहे, किसी भी पार्टी का विचारधारा खराब नहीं है, पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस और भाजपा के विधायक सांसद का, इनका नियत ठीक नहीं है। और साथ में यहाँ सुनने भी आया कि आप जब से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा और कांग्रेस में खलबली मच गई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खलबली का मतलब ये है कि हमारे सामने आने से तीसरा विकल्प खुल गया। पहले कांग्रेस और भाजपा ही होता था, तीसरा विकल्प खुलने के बाद आज मंतुराम पवार के टक्कर में कांग्रेस से किसको उम्मीदवार बनाया जाए, भाजपा से किसको उम्मीदवार बनाया जाए, ये अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ के हमारा पूरा काम करना चालू कर दिए हैं। और निर्दलीय चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, या हम पूरे कार्यकर्ता उस ढंग से मेहनत करना चालू कर दिए। और जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के बाद आप किस विशिष्ट मतलब बातों पर ध्यान देंगे या काम करेंगे? देखिए, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और लोग ये भी कहते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़के क्या करोगे। झारखंड में तो मधु कोड़ा निर्दलीय चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन गए। आज जिस राज्य में भी चुनाव होता है, निर्दलियों का बोलबाला जाता है, 10-15 लोग निर्दलीय में चुनाव जीत जाते हैं और उनके सहयोग से सरकार बनता है और वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित भी हो जाते हैं। और मैं तो ये टेबल ठोक के दावा के साथ कह सकता हूं इस बार कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, नेट टू नेट फाइट है। इसलिए क्योंकि 70 सीट का अभी जो सर्वे हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसमें 35 सीट जीत रहा है। यदि 35 सीट जीतता है तो आप सरकार कैसे बनाओगे? कम से कम 47-50 के आसपास आप जब तक नहीं कि आपका विधायक नहीं बनेंगे, आप सरकार नहीं बना सकते हो। 10-12 सीट आज कम हो, उसके बाद आप देख लें कि भाजपा तो 15 में ही सिमट गया है, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो 30-35 आएगा। इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि दोनों पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अजीत जोगी का 2-4 सीट आएगा, बहुजन समाज पार्टी के 2-3 सीट आएगा, 1-2 निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो उनके बल भरोसे ही छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, ये मेरा मानना है।